नाम ज़ायदा है, मेरी उम्र 38 है, मेरी मादरी ज़ुबान जो है वो उर्दू है। स्टैटिस्टिक मिलियन के अंदर मुझे काम करते हुए 1.5 साल हो गए और मैं मशीन ऑपरेटर हूँ। मेरे हालात ऐसे थे कि मेरे वालदा थी नहीं और वालिद जो थे मेरे वो अपने काम में लगे रहते थे। पढ़ाई के लिए कौन मुझे बोलता है, तो मुझे कोई दाखिल करवाने वाला स्कूल में नहीं था। इस कोर्स के बारे में मुझे मेरी दोस्त जो मेरे साथ काम करती है, मशीन ऑपरेटर है वो भी, तो उसने मुझे बताया। तो मुझे उसने बोला उर्दू पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको दिलचस्पी है तो आप चलें। मुझे शौक़ था, मैं उनके साथ चली गई। मुझे नाम मैडम नुसरत ने नाम डाला और मैं पढ़ने बैठ गई। मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। बस यही हमारे काम के अंदर दुश्वारी ये आई थी कि हमारी सुपरवाइज़र वगैरह मना करती थी पढ़ाई के लिए कि ये कौन सी क्लास है, ये कैसी क्लास में जा रहे हो आप लोग, ये पढ़ने की उम्र है, तुम्हारी बुढ़ापे की उम्र है, ये है वो है। मगर हम लोगों ने उन लोगों को प्यार मोहब्बत से समझा के और अपना टारगेट कम्प्लीट रख के हम लोग पढ़ाई के लिए टाइम निकाल के जाते हैं। अपने टाइम को हमने मैनेज किया। कंपनी में तो सब मजाक उड़ा रहे थे कि ये हूँ पढ़ने की उम्र नहीं है, मगर मैंने अपने हस्बैंड से बात की थी तो उन्होंने बोला ये अच्छी बात है, अगर तुम पढ़ लोगी तो कम से कम मैं मैसेज भेजूंगा, तुम पढ़ तो सकोगी मेरा मैसेज। वो खुश हुए थे मेरी तालीम का सुन के। घर के मसले के अंदर भी ये मुझे काम आ सकता है, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ, बच्चों की बुकें देख सकती हूँ और बच्चों से कोई सामान मंगवाना हो तो लिख के पर्ची पर दे सकती हूँ और मंगवा सकती हूँ। मुझे ये फ़ायदा लगा तो मैं इसलिए इसमें शामिल हुई। अगर ये कंपनी हमारे लिए इतना कुछ करेगी, आगे हमें पढ़ाने के लिए बोलेगी, तो ज़रूर हम लोग इस चीज़ में हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह अपनी तालीम जो है कंप्लीट करेंगे। मेरी ज़ाती ज़िंदगी में ये फ़र्क आया कि पहले मैं सबके साथ बैठ के बात करती थी तो ज़रा मेरी आवाज़ तेज़ है, मैं चीखती थी, ज़ोर से बोलती थी। तो क्लास में बैठने के बाद मुझे इतना पता चल गया कि किसी से किस लहजे में बात करनी है और किस तरीके से बात करनी है। उसी तरीके से अपने घर में और अपने हस्बैंड से और अपने कंपनी के वर्करों से और अपनी क्लासरूम वालों से सबसे तरीके से बात की जानी। पहले मैं अपना पेपर किसी से बनवाती थी और अब मैं अपना टारगेट पेपर खुद बना लेती हूँ और टोटल करके जमा करवा देती हूँ। यही फ़र्क पड़ा कि मुझे अच्छा काम करना आ गया और टाइम से पहले मैं अपना टारगेट बना लेती हूँ। पहले इस क्लास में मैं नहीं थी तो जितने भी पैसे आते थे सब खर्च हो जाते थे, कुछ समझ नहीं आता था कहाँ चले गए क्या किया। मगर अब ये तब्दीली आई है कि मैं अपने पैसों को सेव करना समझ गई हूँ। अपने ज़रूरतमंद जितने भी पैसे ज़रूरत के लिए होते हैं सिर्फ उतने इस्तेमाल करती हूँ, बकाया मैं अपने बजट के लिए अपने प्रॉफिट के लिए अलग से रखती हूँ ताकि मेरे बच्चों के ये काम आ सके। अगर मैं दुनिया में नहीं भी हूँ तो मेरे बच्चों का काम आ सके। और ज़्यादातर तो हम इस क्लास का ही शुक्रिया अदा करेंगे जो TCF वालों ने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया। कोरोना की वजह से ज़िंदगी पर यह असर पड़ा, पहली बात तो हमारी क्लास जो 2 महीने तक हुई नहीं वापस आए तो वो रिपीट करनी पड़ गई, ठीक है। और दूसरी बात ये, हम लोग के किराए के घर हैं, हम परदेशों में आए हुए कमाने के लिए, किराए के घरों में 2-2 महीने का किराया हमारे सरों पे चढ़ गया। जो आया लॉकडाउन में तो जितना आया घर में बैठ के खाया गया और हम लोग के किराए ज़्यादा सर पे हो गए और हम लोगों की परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ गई। और फासला रखना और ये मास्क लगाना, ये चीज़ें करना, एक दूसरे से मिलना नहीं, किसी की फौतगी हो जाए तो नहीं जा सकता, किसी के घर में कोई खुशी कमी है बिल्कुल भी जाना अलाउ नहीं है, और तो और घर के बड़े बुज़ुर्गों से मिलना भी अलाउ नहीं है, कुछ भी काम करने के लिए नहीं बोला। हम लोग घर में रह रहे किस कदर पागल हो रहे थे। शुक्र है कि ये मिल खुली है तो हम लोग वापस आए हैं।